हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 में आपके जो डीएनए और आरएनए को समाप्त किया है, यानी जो आपके न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो इन दोनों के बारे में जो है भेद यानी कि अंतर आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, यानी डीएनए और आरएनए में अंतर। देखिए किस प्रकार दोनों जो है एक दूसरे से भिन्न है वो आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले जो है एक साइड में डीएनए और दूसरे साइड में हम आरएनए, यानी दो टाइप्स टू टाइप्स में जो है टू पार्ट में जो है हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो देखते हैं पहला जो है हमारा ये है डीएनए में कि यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है, यानी जो डीएनए है इसका जो प्राप्ति का स्थान है, उपस्थिति का जो स्थान है वो मुख्य रूप से जो है केंद्रक होता है, केंद्रक में पाया जाता है। यानी कि कोशिका और कोशिका के अंदर जो केंद्रक है उस केंद्रक के गुणसूत्रों में जो है आपका डीएनए मिलता है। और जबकि आरएनए जो है ये मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। आपने पढ़ा है कि कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच का जो खाली स्थान है, खाली क्षेत्र है, उस खाली क्षेत्र में जो है एक द्रव भरा रहता है और वो द्रव कोशिका द्रव्य कहलाता है। उस कोशिका द्रव्य में कई सारे और भी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। तो वही जो कोशिका द्रव्य है उसमें आपका आरएनए मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो है आरएनए केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोसम, जो आपका न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस है, उसमें भी पाया जाता है। और राइबोसोम में भी कुछ मात्रा में, यानी अल्प मात्रा में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपरद्रव्य जालिका में भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से इसका जो उपस्थिति है वो कोशिका द्रव्य में है। इसके जो आप डीएनए पढ़ा था केंद्रक में पाया जाता है, तो डीएनए जो है मुख्य रूप से केंद्रक में गुणसूत्रों में मिलता है। और इसके अतिरिक्त जो है अल्प मात्रा में ये भी जो है माइटोकांड्रिया और हरित लवक तथा सेंट्रोसोम में भी पाया जाता है। तो अल्प मात्रा में इनमें पाया जाता है, परंतु हमने पढ़ लिया कि ये मुख्य रूप से जो है डीएनए केंद्रक में पाया जाता है और आरएनए मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट डीएनए में, इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। यानी आपने पढ़ा है कि जो हमारे न्यूक्लिक अम्ल हैं इनका निर्माण तीन मूलभूत यौगिकों के अणुओं से होता है, जिसमें आपका पहला था राइबो यानी शर्करा, और दूसरा था आपका फास्फेट मूलक जिसमें आपका फास्फोरिक अम्ल, और तीसरा जो है नाइट्रोजनी क्षारक। ये तीन जो मूलभूत अणु हैं इनसे न्यूक्लिक अम्लों के निर्माण होता है। तो उन्हीं में से आपका दूसरा पॉइंट है कि जो डीएनए है और आरएनए है ये इसमें शर्करा से मिश्रण होता है, शर्करा से संरचना का निर्माण होता है। तो जो शर्करा होती है डीएनए में वो पेंटोज शर्करा होती है। तो डीएनए की जो पेंटोज शर्करा है वो डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। जैसा कि आप डीएनए का पूर्ण विस्तार करते हो कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ऐसे आप इसका पूर्ण विस्तार करते हो तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, तो उसी के आधार पर इसको याद करना आसान है कि डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। इसी के विपरीत जब हम आरएनए में देखते हैं तो आरएनए का जब हम पूर्ण विस्तार करते हैं तो राइबोस न्यूक्लिक या राइबो न्यूक्लिक अम्ल पूर्ण विस्तार है आरएनए का। तो उसी के आधार पर जो आरएनए में पेंटोज शर्करा होती है वो आपकी राइबोज शर्करा होती है, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लिक अम्ल हैं और दोनों का निर्माण जो है मूलभूत तीन मूलभूत अणुओं से होता है, जिसमें आपका शर्करा, फास्फेट मूलक फास्फोरिक अम्ल और तीसरा है आपका नाइट्रोजनी क्षारक।
तो इन तीनों में से जो शर्करा पहला बताया, तो शर्करा में भिन्नता है, इसमें पेंटोज शर्करा जो है डीऑक्सी राइबोज होती है डीएनए में, जबकि आरएनए में पेंटोज शर्करा राइबोज शर्करा होती है। तो आप पेंटोज नहीं लिखा है कोई बात नहीं, सीधे आप लर्न करिए कि इसमें राइबोज शर्करा होती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट, डीएनए अणु दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बनता है, यानी जो डीएनए की संरचना है उसका निर्माण दो श्रृंखलाओं से होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दो श्रृंखलाएं जब मिलती हैं तब डीएनए की संरचना का निर्माण होता है। इसलिए डीएनए जो है उसे द्विरज्जु की यानी दो रज्जु कहते हैं, डीएनए की द्विकुंडली संरचना कहते हैं क्योंकि उसमें दो जो है रज्जु होते हैं। देखिए आप इस प्रकार से डीएनए की संरचना का निर्माण होता है। तो इसमें देखिए क्या है, यानी ये आपका डीएनए बना हुआ है, तो इस डीएनए में एक ये रज्जुक है और एक ये रज्जुक है, यानी ये दो रज्जुक हैं। इसीलिए डीएनए अणु जो है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर के बनता है। तो एक ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला और ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। तो इसीलिए डीएनए में दो रज्जुक, एक रज्जुक दो रज्जुक, इसे द्विरज्जुकी भी कहते हैं। इसके विपरीत जब हम आरएनए में देखते हैं तो आरएनए अणु जो है वो केवल एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है, यानी आरएनए की संरचना इस प्रकार से होती है, आरएनए की संरचना एक सूत्री होती है, यानी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बनता है आपका आरएनए। तो डीएनए की संरचना जो थी वो द्विरज्जुकों से बनती है, आरएनए की संरचना एक रज्जुक यानी इसको रज्जुक कहेंगे या एक सूत्री कह सकते हो, यानी आरएनए की संरचना एक सूत्री होती है या आरएनए अणु एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बनता है। तो ये इसकी जो है संरचना की स्थिति के आधार पर तीसरा अंतर था। अब हम आगे देखते हैं चौथा अंतर, चौथा पॉइंट हमारा, डीएनए में द्विगुणन की क्षमता होती है, यानी डीएनए जो है वो द्विगुणित होकर के अपने जैसा एक नया डीएनए बनाता है, यानी द्विगुणन के द्वारा डीएनए की दूसरी प्रतिकृति का निर्माण होता है, जबकि आरएनए में द्विगुणन की क्षमता नहीं होती है, आरएनए द्विगुणित नहीं होता है और अपने जैसा आरएनए का निर्माण नहीं करता है, आरएनए का निर्माण डीएनए द्वारा होता है, यानी डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। इसके बाद पांचवा पॉइंट, डीएनए में नाइट्रोजनी क्षारक, डीएनए में जो है आपके नाइट्रोजनी क्षारक, देखिए एडनीन ग्वानीन, ये जो नाइट्रोजनी क्षारक हैं एडनीन ग्वानीन, इन्हें प्यूरीन्स कहा जाता है, यानी डीएनए में नाइट्रोजनी क्षारक प्यूरीन्स एडनीन ग्वानीन और पिरिमिडीन्स साइटोसिन तथा थायमीन पाए जाते हैं। या आप ऐसे लर्न करिए कि डीएनए में नाइट्रोजनी क्षारक एडनीन ग्वानीन साइटोसिन तथा थायमीन पाए जाते हैं, जबकि आरएनए में सेम उसी प्रकार से होते हैं, केवल थायमीन को छोड़ करके, थायमीन के स्थान पर आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। तो देखिए आरएनए में नाइट्रोजनी क्षारक एडनीन ग्वानीन साइटोसिन तथा यूरेसिल पाया जाता है, या आप ऐसे लिख सकते हो आरएनए में नाइट्रोजनी क्षारक थायमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है, यह भिन्नता आ जाती है इसमें। इसके बाद सिक्स पॉइंट है हमारा, डीएनए स्थाई होता है, यानी डीएनए की जो संरचना होती है किसी भी जीवधारी में वो स्थाई रूप से विद्यमान होती है, जीवन पर्यंत होती है, और डीएनए जो है वो नई संततियों में भी स्थानांतरित होता है। इसके बाद आरएनए अस्थाई होता है, यानी आरएनए की जो संरचना है वो परमानेंट नहीं होती है, अस्थाई होती है, क्योंकि डीएनए ही आरएनए का निर्माण करता है, इस कारण से आरएनए जो है वो स्थाई संरचना होती है,
तो इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक था डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, यानी डीएनए और आरएनए में भेद या अंतर समाप्त होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप अपनी कॉपी पर इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, साथ में लर्न भी करना।